हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मामा बेबी। बच्चे की डिलीवरी किसी भी मेथड से हो, नॉर्मल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन डिलीवरी, दोनों ही केस में मदर को बहुत पेन होता है एंड बहुत केयर की जरूरत होती है ताकि मदर की बॉडी अच्छे से हील करे। क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी में एक ऑपरेशन होता है, मदर के स्टमक के नीचे 2 से 3 इंच लंबा कट लगाया जाता है। बेबी को बाहर निकालने के बाद 7 से 8 स्टिचेस लगाए जाते हैं जो कि कुछ टाइम बाद डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है, मदर को स्टिचेस में बहुत पेन होता है, बहुत केयर की जरूरत होती है मदर को इनिशियल 1 to 1.5 मंथ, ताकि मदर की बॉडी में जो लॉसेस हुए हैं वो रिकवर हो एंड मदर की बॉडी अच्छे से हील करे। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो आपकी सी सेक्शन की रिकवरी को फास्ट एंड स्मूथ बनाएंगे। क्योंकि आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स एंड मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन डिलीवरी से हुए हैं, तो ये 5 टिप मैंने पर्सनली फॉलो की हैं एंड पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि ये टिप्स आपकी सी सेक्शन के बाद की रिकवरी को काफी स्पीडी और काफी स्मूथ बना देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप है वाटर। वाटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। बहुत से घरों में कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद में वाटर नहीं लेना, इससे पेट फूल जाता है, वाटर अच्छा नहीं होता, जबकि एक मिथ है। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद, क्योंकि बहुत सी मदर में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसके वजह से जब वो मोशन पास करते हैं तो उन्हें बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है और प्रेशर लगाने की वजह से हमारे स्टिचेस पे जोर पड़ता है, जिसकी वजह से स्टिचेस खराब होने की, टूटने की, उनसे पस आने की, ब्रीदिंग होने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसीलिए आपको वाटर अच्छी खासी क्वांटिटी में लेना है ताकि आपका मोशन स्मूथली पास हो एंड आपके स्टिचेस पे प्रेशर ना बने। इसके अलावा हम जानते हैं कि ब्रेस्ट फीड में 70% कॉन्ट्रीब्यूशन वाटर का ही होता है, तो अगर आप अच्छी क्वांटिटी में वाटर इनटेक लेंगे तो आपका जो ब्रेस्ट फीड सप्लाई है वो बढ़ेगा एंड बेबी को एक अच्छा फीड मिलेगा। इसीलिए हमें वाटर आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी अच्छी खासी क्वांटिटी में लेना है। आपको एक दिन में 7 से 8 ग्लास वाटर लेना ही है। वाटर मेक श्योर कि आप हल्का गुनगुना वाटर लें, बिल्कुल ठंडा या बिल्कुल गर्म वाटर नहीं लेना है, एक हल्का गुनगुना वाटर लीजिए। वाटर को उबाल के उसे एक थर्मस में भर के रख लीजिए एंड उसे पूरे दिन लीजिए। आप अगर अजवाइन वाटर लेते हैं ये तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अजवाइन वाटर आपको गैस की प्रॉब्लम से रिलीफ दिलाता है, आपके डाइजेशन को अच्छा बनाता है, तो अजवाइन वाटर लें तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। सेकेंड टिप है रेस्ट। रेस्ट सी सेक्शन डिलीवरी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनिशियल 1 से 1.5 महीने अच्छे से बेड रेस्ट लेना है, कोई भी वर्क नहीं करना है। आप थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हैं, बट इसके अलावा कोई भारी सामान उठाना, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहना या फिर बहुत ज़्यादा काम करना या सीढ़ियाँ चढ़ना, ऐसे काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सबको अवॉइड करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है ताकि आपकी एनर्जी वर्क में वेस्ट ना हो एंड आपकी बॉडी को जल्दी हील करने में वर्क करे। इसके अलावा बहुत से पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स होती हैं कि बच्चा नाइट में 2 से 3 आवर्स के इंटरवल में उठता है तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, तो हम एक प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते, जबकि सी सेक्शन के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बच्चे के स्लीपिंग पैटर्न के साथ अपने स्लीपिंग पैटर्न को एडजस्ट करना है। जब भी बच्चा दिन में या नाइट में सो रहा है इसको अकॉर्डिंग आपको भी सोना है। बाकी सारे कामों के लिए आप हेल्प ले सकते हैं। इवन अगर आपको बेबी का डायपर भी चेंज करना है तो उसके लिए भी आप फैमिली के किसी मेंबर की हेल्प ले सकते हैं एंड फैमिली मेंबर्स को भी इस टाइम पे मदर को फुली सपोर्ट करना है। आपको एक पूरे दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद जरूर लेनी है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक होता है इस एक टाइम में, और अगर आप ज़्यादा रेस्ट करेंगे आपकी बॉडी जल्दी हील होगी तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से स्ट्रांग होगा। कई केसेस में वुमेन को 1.5 महीने के रेस्ट के बाद भी लगता है कि उनकी बॉडी अभी भी काफ़ी वीक है, उनके बैक में पेन है, उनके जॉइंट्स में पेन है, तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके अपने रेस्ट के टाइम पीरियड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं एंड थोड़े ज़्यादा समय के लिए रेस्ट ले सकते हैं। थर्ड टिप है फीडिंग। इस एक टाइम में जब मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड देते हैं तो उन्हें
बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बच्चे को वो स्टमक में लग के फीड नहीं दे सकते क्योंकि उनके स्टिचेस पे प्रेशर पड़ेगा। तो इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, फीडिंग पिलो बाय कर सकते हैं। बच्चे को फीडिंग पिलो के ऊपर लिटाकर एंड अपने बैक के पीछे भी एक पिलो रख सकते हैं एंड इस तरह से बच्चे को फीड करा सकते हैं। तो इस वजह से आपके स्टिचेस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप बच्चे को आसानी से फीडिंग करवा पाएंगे। इसके अलावा आप बच्चे को फुटबॉल पोजीशन में भी फीड करा सकते हैं। फुटबॉल पोजीशन में इस तरह साइड से लेके आप बच्चे को फीडिंग करा सकते हैं, तो इससे भी आपके स्टिचेस पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पोजीशन है साइड लाइन पोजीशन। ये पोजीशन भी बेस्ट मानी जाती है सी सेक्शन मॉम्स के लिए। तो इस पोजीशन में भी आप अपने बच्चे को फीडिंग दे सकते हैं। अगर इन पोजीशंस में आप अपने बच्चों को फीडिंग देंगे तो आपके स्टिचेस पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। 40 पे न्यूट्रिशन। मदर को बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा न्यूट्रिशन इनटेक लेने की, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तभी से हम एक नहीं दो बॉडी के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, एक अपनी एंड सेकेंड बेबी की। तो हमारी बॉडी में जो भी जाता है, मिनरल्स, वाइटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, वो हमारे साथ साथ हमारे बच्चे के लिए भी यूज होता है, क्योंकि हमारे बच्चे के भी बोन्स बन रहे होते हैं, बच्चे में भी ब्लड बन रहा होता है। तो मदर को न्यूट्रिशन इसी के अकॉर्डिंग देना चाहिए कि वो अपने और बच्चे दोनों की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाए। इसके अलावा बच्चे की डिलीवरी के बाद भी बच्चा क्योंकि ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो बच्चे को कैल्शियम एंड आयरन भी मदर मिल्क से ही मिलता है। इसीलिए अपनी बॉडी की एक अच्छी रिकवरी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी से जितना न्यूट्रिशन बच्चे को जाएगा उतना हमारी बॉडी में भी रहना चाहिए ताकि हमारी बॉडी अच्छे से रिकवर करे। तो हमें बहुत सही क्वांटिटी में, बहुत एक्यूरेट क्वांटिटी में न्यूट्रिशन लेने हैं ताकि हमारे एंड बच्चे की दोनों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। तो आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं जिनसे आपको आयरन मिले। आपको दालें लेनी है बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में ताकि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। आपको कैल्शियम के लिए पनीर लेना है, आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, मिल्क लेना है एंड इसके अलावा आपको गुड़ और अंजीर जरूर लेना है क्योंकि दे आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी क्योंकि ब्लड लॉस भी बहुत ज्यादा होता है डिलीवरी के बाद। और आपको पपाया लेना है, पपाया बहुत अच्छा माना जाता है, आपके डाइजेशन को काफी इंप्रूव करता है, गैस की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है पपाया। तो ये सब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, पनीर, मिल्क, ये सब आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में लेने हैं ताकि आपकी बॉडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, आपकी बॉडी जल्दी और फास्ट रिकवर करे। आपको इस एक टाइम पे ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना है, बेक्ड खाना नहीं खाना है, ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाना, क्योंकि आपकी रिकवरी के प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देते हैं। लास्ट एंड फिफ्थ टिप है मेडिसिन। मेडिसिन इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि हम ऑन टाइम मेडिसिन लें। डॉक्टर हमें डिलीवरी के 7-8 दिन तक कुछ पेन किलर्स देते हैं ताकि हमें पेन से थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिले एंड हम थोड़ा रिलैक्स हो ताकि मेंटली हम पे प्रेशर ना पड़े। बहुत सी मदर्स पेन किलर मिस कर देती हैं एंड कई बार दो पेन किलर एक साथ ले लेती हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन लेनी है एंड ऑन टाइम लेनी है। इसके अलावा डॉक्टर हमें इनिशियल 6 मंथ तक कैल्शियम एंड आयरन की टैबलेट देते हैं क्योंकि हमारी बॉडी से ब्रेस्टफीड के थ्रू कैल्शियम एंड आयरन बच्चे को भी जा रहा है, तो हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड आयरन की कमी ना हो। तो बहुत सी मदर कैल्शियम एंड आयरन सप्लीमेंट्स भी जल्दी बंद कर देते हैं जिससे इन फ्यूचर उन्हें प्रॉब्लम देखने को मिलती है एंड प्रेजेंट में उनका जो रिकवरी का प्रोसेस है वो भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए मेक श्योर आप अपनी मेडिसिन जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो ऑन टाइम लें। एंड इसके अलावा आपको थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया या लूज मोशन हो गया तो विदाउट डॉक्टर परमिशन आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी। बहुत सी मदर्स को लगता है कि सी सेक्शन के बाद अब 10-15 दिन हो गए हैं तो हमें थोड़ा सा फीवर हुआ या कोल्ड हुआ तो किसी ने मेडिसिन दी वो ले ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी मेडिसिन लेना है, आपको कुछ भी फील हो रहा है, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी जिससे आपको साइड इफेक्ट हो। बताए गए 5 टिप अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपकी सी सेक्शन रिकवरी को फास्ट एंड स्मूथ बना देंगे। मैंने पर्सनली ये टिप फॉलो किए हैं एंड मेरी रिकवरी बहुत फास्ट एंड स्मूथ रही है एंड अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।